आज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट दे रहा हूं प्रीपोजिशन, ऐसे प्रीपोजिशन क्या आपके एग्जाम में स्पोकन में हर जगह काम आता है, तो एक एक करके आज सब याद करना है आपको, क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस हैं जिसको आप एक एक करके देखिए। हमने तीन लिस्ट दिया, लिस्ट वन, लिस्ट टू, लिस्ट थ्री, ये तीन तरह के लिस्ट हैं, एक एक करके आपको देखना है और इतना इंपॉर्टेंट है कि आपसे मैं क्या बात करूं। एक एक प्रीपोजिशन, अब देखो लुक, लुक का मतलब देखना नहीं दिखाना, जैसे लुक एट मी, लुक एट हिम, इसका मतलब यह हुआ कि लुक के साथ प्रीपोजिशन एट लगाएंगे, है ना, जैसे लुक एट द बोर्ड, लुक एट द बोर्ड, बोर्ड की तरफ देखो, तो ये सारे प्रीपोजिशन के साथ हम एट का प्रयोग करेंगे। एक प्रश्न उठ गया, सबके साथ एट लगाएंगे, लुक एट, सी एट, ग्लेयर एट, स्टेयर एट, गेज एट, ग्लांस एट, पर यूज एट, भाई सबका मतलब क्या है, सबका हिंदी होता है देखना, देखना, अंतर क्या है सर, तो लुक का मतलब देखना, देखना कैसा देखना, जैसे लुक एट देखना नहीं दिखाना, जैसे लुक एट हिम, लुक एट देम, लुक एट द बोर्ड, लुक एट, ठीक है, तो देखना नहीं दिखाना। आप लिख लो ना, कॉपी कलम निकालो, कॉपी कलम निकाल के ना पढ़ो, इसको रोक दो, पॉज करके कॉपी कलम निकाल लो, फिर आप पढ़ने का प्रयास करो, तब ना ध्यान रहेगा। वीडियो को दोबारा देखो, डाउनलोड कर लो, जैसे भी हो, सी, सी के साथ भी एट, सी मतलब देखा भूला, सी किया जैसे तुम मुझे सी कर रहे हो फिर भूल गए, रास्ते में जाते हो मार्केट में, बहुत लोगों को सी करते हो, देखा भूला सी, तो लुक का मतलब दिखाओ, दिखाना, एट लगने के बाद, सी मतलब कॉमन देखना भूल जाना, ग्लेयर, ग्लेयर एट, तो ग्लेयर एट का मतलब होता है किसी को घूरना, और घूरना इज अ बैड सेंस, तो ग्लेयर मतलब ही घूरना, स्टेयर मतलब ही घूरना, ग्लेयर, हालांकि ग्लेयर का मतलब होता है लालच भरी आंखों से देखना, जैसे मैं रसगुल्ले खा रहा हूं, आपने देखा जी सर मुंह में पानी आ गया ना, तो ग्लेयरिंग आइज, तो मंकी के पास आइज कैसे होते हैं, ग्लेयरिंग आइज, बिल्कुल बनाना लिए ऐसे देख रहा है, तो क्या घुरी तो रहा है ना तरह से, तो स्टेयर और गेज, ये दोनों का मतलब होता है बैड मैनर से घूरना, किसी को आप घूर रहे हो तो बैड मैनर से घूरना, ये स्टेयर और गेज कहलाता है। ग्लांस नहीं बोलते, एट ए ग्लांस, एक झलक में देख लेना, तो ग्लांस का मतलब, तो ग्लांस एट, एक झलक में देख लेना। पर यूज, पर यूज मतलब अवलोकन करना, ध्यान से पढ़ना, ध्यान से देखना को हम पर यूज कहते हैं, तो इस तरह के सब के सबका मतलब हुआ देखना, लेकिन देखने के थोड़ा थोड़ा मीनिंग हुए, दोबारा देख लो, दोबारा समझ लो, दोबारा लिख लो, कभी दिक्कत हो आप हर चीज को देखो समझो और फिर आगे बढ़ो। सबके साथ प्रीपोजिशन क्या लाओगे, एट, मैं आपको वह चीज दे रहा हूं जो आपके लिए काफी आसान होगा, लुक एट, सी एट, ग्लेयर एट, स्टेयर एट, गेज एट, ग्लांस एट, पर यूज एट, सबका सेंस होगा देखना और सबके साथ एट लगा दो, बहुत पूछता एग्जाम में, बहुत यूज होता है स्पोकन में, आप हमेशा प्रीपोजिशन कंफ्यूज करते हो, इसको याद कर लो यही आएगा। अगला है देखो, जूनियर, सीनियर, इंफीरियर, सुपीरियर, प्रायर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, ये सात शब्द याद कर लो, आठवां नहीं है डिक्शनरी में, ये सात ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जो अपने साथ प्रीपोजिशन टू लेते हैं, अपने साथ प्रीपोजिशन क्या लेता है, ये टू लेता है, अपने साथ टू लेता है, ध्यान रखना, प्लस टू, ए प्लस अपने साथ एट लेता है, तो ये सात ऐसे वर्ड हैं जो अपने साथ टू लेता है, आपको पता भी होगा, दो चार तो आपको आते भी होंगे, लेकिन हमने इकट्ठा दे दिया ना, एक साथ दे दिया तो फायदा ना करेगा, एक साथ दे दिया तो पूरा का पूरा याद ना कर लो, जूनियर टू, सीनियर टू, इन्फीरियर टू, सुपीरियर टू, प्रायर टू, एंटीरियर टू, पोस्टीरियर टू, सब हिंदी क्या होता है, तो जूनियर का मतलब होता है जूनियर, नीचे वाला, सीनियर मतलब ऊपर, अब जो सीनियर लोग हैं तो ऑफिस में कोई जूनियर स्टाफ है, सीनियर स्टाफ है, यू आर जूनियर देन मी, गलत हो गया, यू आर जूनियर टू मी, ही सीनियर देन हिम, तो सीनियर टू हिम, तो सीनियर और जूनियर, देन लगाने का मन करेगा तो इसके साथ देन का प्रयोग नहीं करना, इसके साथ टू का प्रयोग करना। इंफीरियर का मतलब होता है घटिया, इंफीरियर क्वालिटी है, क्वालिटी कैसा है, इंफीरियर है, घटिया है, सुपीरियर क्वालिटी है, बहुत अच्छा, तो सुपीरियर मतलब बहुत अच्छा, इंफीरियर मतलब घटिया, सब लिख रहे हो, इंफीरियर मतलब घटिया, सुपीरियर बहुत अच्छा, प्रायर, प्रायर टू, तो प्रायर मतलब पूर्ववर्ती, प्रायर टू पूर्ववर्ती, एंटीरियर मतलब पहले वाला,
पोस्टीरियर पिछवाड़ा, पीछे वाला, पोस्टीरियर तो पीछे वाला, तो पोस्टीरियर टू एंटीरियर टू प्रायर टू, याद हो रहा है सब? सब लिख लो बढ़िया से, बहुत कम समय का है, इसको पूरे भारत में फैला दो ना। अगला देखो, हमने बोला अगला वर्ड क्या है, लाफ, स्माइल, चक्कल, ग्रीन, स्नीगर, स्नीकर, मॉक, ये सबका मतलब हंसना होता है। और सबके साथ प्रीपोजिशन आप आंख बंद करके एट लगाइए, सबके साथ एट, लाफ एट दूसरों पर हंसना, लाफ एट दूसरों पर हंसना, सी लाफ्स एट हिम, यू लाफ एट मी, आई लाफ एट यू, तो लाफ एट दूसरों पर हंसना, स्माइल मुस्कुराना, स्माइल मतलब मुस्कुराना, चक्कल एट तो चक्कल का मतलब होता है मुंह बंद करके हंसना, मुंह बंद करके हंसना, तो चक्कल एट मतलब मुंह बंद करके हंसना, तो इसको बोलते चक्कल एट। ग्रीन, ग्रीन का मतलब होता है नेगेटिव हंसी हंसना, ग्रीन कर रहा है। और स्नीगर और स्नीकर, इसका मतलब होता है बिल्कुल ही एंग्विश होकर के अलग अंदाज में हंसने को हम लोग बोलते हैं स्नीगर और स्नीकर। मॉक तो पता ही होगा, मॉक करता है मतलब अटहास करना, मॉक करना। तो ये सब जो स्नीगर और स्नीकर है, इसका मतलब होता है एक बैड मैनर से हंसना, अच्छे से नहीं हंसना, स्नीगर कर रहा है, स्नीकर कर रहा है मतलब बैड मैनर से हंसना, और मॉक का मतलब हो गया अटहास करना। तो इस तरह से मेन हंसने का होता है लाफ और स्माइल मुस्कुराना, और बाकी सबका जो मुंह बंद करके हंसना चक्कल एट, इस तरह से देखा आपने। तो इस तरह के वर्ड को आप याद करो, और याद करके एग्जाम में आते हैं, बस एक याद करना है मात्र एट, यहां भी एट, यहाँ पे टू, यहाँ पे एट, ऐसे ही छोटे छोटे वीडियोस बना के आपको देता रहूँगा, और हमेशा आप आगे रहोगे क्योंकि आप DSL में हो, सबसे आगे सबसे तेज, आपको सबसे आगे रहना है, सबसे तेज रहना है। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी करो, और पूरे भारत में शेयर इतना करो कि हर बच्चा अंग्रेजी में कमजोर ना फील करे, ठीक है? पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, फिर से मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।